हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बिपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रजनी का एक चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर जो है सेलेलिज्म। हर पेपर में कम से कम एक से दो क्वेश्चन आते हैं इसके, तो बिना पेन के हम सेलेलिज्म कैसे सॉल्व करेंगे, बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस क्लास में देखते हैं पार्ट वन में। इसका आगे अगला वीडियो पार्ट टू लेकर आएंगे जल्दी ही हम, उसमें टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज हम सेलेलिज्म के बेसिक से कंसेप्ट सीखते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है बिना डायग्राम बनाए, बिना पेन पेपर के, ठीक है ना। तो नियम समझते हैं हम, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले निष्कर्ष के बारे में समझते हैं। निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष एक पहले कथन दिया गया रहता है इसका, सबसे पहले इसका कथन दिया रहेगा। कथन एक भी हो सकता है, कथन दो भी हो सकता है, कथन तीन भी हो सकता है, कथन चार भी हो सकता है। उसी के आधार पर फिर निष्कर्ष दिया रहता है, उसी का निष्कर्ष आपको सॉल्व करना रहता है। आप अगर कंसेप्ट बेसिक नहीं समझ पाए हैं तो डायग्राम आपको नहीं समझ आएगा। हम बिना पेन के समझाएंगे कि बिना पेन के कैसे आप सॉल्व करें, देखते ही आंसर कैसे करें मुश्किल से दो सेकंड में। तो पहले समझते हैं निष्कर्ष कहते जाता है। तो नंबर एक पहला होता है निष्कर्ष की अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। अनुसरण करेगा तो यह 100% बात मानी जाएगी, क्योंकि अनुसरण करता है तो 100% की बात हो गई है, 100% की बात करेगा। दूसरा क्या कहता है कि अनुसरण नहीं करता है, यह भी 100% है अपने आप में। एक बार कोई चीज हां तो 100% हां, ना अगर हो गया, नहीं अगर हो गया तो 100% ना ही है, उसमें कोई संभावना व्यक्त करने वाली बात नहीं होती, कुछ के चांस नहीं होता है, कुछ का चांस नहीं होता है। अगर नहीं है तो 100% नहीं है। उसके बाद तीसरा होता है क्या? संभावना। संभावना के आधार पर आते हैं अनुसरण निष्कर्ष। तो संभावना वाले निष्कर्ष जो होते हैं वो हमेशा 100% से कम होता है। अरे हम पूरा श्योर थोड़ी ना होते हैं कोई चीज संभावना की बातों पर, हमेशा 100% से कम ही होता है ना, तो यही समझना है हमें। आगे देखते हैं इसके और कथन किस तरह से बताए जाते हैं, कथन किस तरह से पूछे जाते हैं, कथन के बारे में देखते हैं। कथन एक होता है जो पूरी जानकारी देता है, 100% जानकारी देता है, और एक कथन होता है कि जो अधूरी जानकारी देता है, अधूरी जानकारी देता है 100% से लेस, ठीक है ना। कथन एक टाइप होता है कि पूरी जानकारी देता है, और एक कथन होता है कि जो कि अधूरी जानकारी देता है। अब पूरी जानकारी देता है कौन? इसमें एक होता है सभी बोले तो आल, और एक होता है कोई नहीं। तो यहां पे नो का ऑप्शन। यह 100% जानकारी होती है, ये 100% सभी में 100% आ गया कि सभी ए बी हैं, तो 100% है वो। कोई ए बी नहीं है तो नहीं है, 100% नहीं है। अब जब अधूरी जानकारी की बात की जाए तो इसमें आता है पहला कुछ, सम, और दूसरा क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको जानते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आइए देखते हैं कथन कितने टाइप के आते हैं, ठीक है ना। कथन देखते हैं तो फर्स्ट टाइप कथन हो सकता है सभी ए बी है। दूसरा कथन कैसे हो सकता है? कोई ए बी नहीं है। तीसरा कथन हो सकता है कैसे? कुछ ए बी है। चौथा हो सकता है कथन कुछ ए बी नहीं है। ये चार टाइप के कथन हमारे दे सकता है प्रश्न में, चार टाइप के कथन दे सकता है। अब कह रहा है कोई सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है।
ये और ये दोनों कथन 100% की बात कर रहा है कि सभी ए बी हैं तो हैं, 100% हैं, कोई ए बी नहीं है तो कोई ए बी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, 100% की कोई चीज कुछ नहीं है। लेकिन कह रहा है कुछ ए बी हैं तो कुछ हिस्सा ए का बी है, ये 100% कम की बात कर रहा है, अधूरी जानकारी दे रहा है, और कुछ ए बी नहीं है, अगर कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं भी होंगे, जाहिर सी बात है ये अधूरी जानकारी दे रहा है। ये दोनों कथन, ये दो कथन 100% पूरी जानकारी देता है, और ये दो कथन 100% से कम जानकारी देता है, ठीक ना। अब यहां समझेंगे हम कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान देते हैं कि पहली बात तो एक शर्त लिखनी है, शर्त है कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट के निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकते हैं। इसको नोट करना है, ये नोट करने वाली बात है कि कभी भी अगर कथन पॉजिटिव में रहेगा, हमारा कथन अगर पॉजिटिव में रहेगा तो उसका जो निष्कर्ष होगा कभी भी निगेटिव भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा पॉजिटिव कथन के पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकल सकते हैं, पॉजिटिव कथन के पॉजिटिव निष्कर्ष निकल सकते हैं, और निगेटिव कथन दूसरा लिख दीजिए, सर दूसरी है, और निगेटिव स्टेटमेंट के निगेटिव कंक्लूजन निकल सकते हैं। हमेशा कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट के जो कथन दिया रहेगा अगर पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव का मतलब जिसके साथ नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो पॉजिटिव है। जैसे ए सभी ए बी है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में, ये हमारा पॉजिटिव है और कोई ए बी नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट निगेटिव है, ये भी कहां पे लगा है, ये भी पॉजिटिव का है और ये निगेटिव। निगेटिव क्यों है, जिसके साथ नहीं का प्रयोग हुआ है वो हमारा निगेटिव स्टेटमेंट में आता है। और एक बात ध्यान देना है, अब हमारी ट्रिक का ऐसे यूज करनी है कि जो भी सभी के साथ, आल के साथ ये सब्जेक्ट मानना है, हमेशा सब्जेक्ट हमेशा आल के साथ 100 होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक ना। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, वो पहला वाला सब्जेक्ट रहेगा। ध्यान देना यही कि सभी ए बी हैं तो सभी के साथ सब्जेक्ट हमेशा 100 रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा 50 रहेगा। दूसरी बात, यहीं पे कोई ए बी नहीं है, ये भी अपने आप में 100% सत्य है, तो कोई अगर रहेगा, कोई ए बी नहीं है तो कोई के साथ भी हमेशा सब्जेक्ट 100 और बी के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्ट भी 100, सब्जेक्ट भी 100, ऑब्जेक्ट भी 100। कोई के साथ रहेगा, अगर कोई से स्टार्ट होता है, कोई शेर चूहा नहीं है तो कोई अगर रहेगा तो यहां पे सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट दोनों 100-100 रहेगा। सभी के साथ रहेगा तो सभी के साथ सब्जेक्ट 100, ऑब्जेक्ट 50। उसके बाद कुछ ए बी हैं, जहां आपको कुछ दिखे, अधूरी जानकारी मिले, वहां पे सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट भी 100 ही रहेगा, ठीक ना। कुछ के साथ सब्जेक्ट भी 50 और ऑब्जेक्ट भी 50 रहेगा, कुछ के साथ सब्जेक्ट भी 50, ऑब्जेक्ट भी 50। अब यहां पर देखिए, कुछ ए बी नहीं है, कुछ के जगह पे सब्जेक्ट 50 रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, सभी के साथ, जहां सभी ए बी हैं तो सभी के साथ हमेशा सब्जेक्ट 100, ऑब्जेक्ट 50 रहेगा। कोई ए बी नहीं है, जहां कोई लगा रहे तो कोई ए बी नहीं है तो कोई के साथ भी सब्जेक्ट 100, ऑब्जेक्ट भी 100। उसके बाद आएगा तीसरा कथन है कि कुछ ए बी है तो कुछ के साथ हमेशा सब्जेक्ट 50, ऑब्जेक्ट भी 50। उसके बाद कहेगा कुछ ए बी नहीं है तो ए सब्जेक्ट में,
50, कुछ के साथ सब्जेक्ट 50, और जहां ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगा हो वहां उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। ऐसा इसे हमें देखना है। आगे हम कथन देखते हैं, कथन और स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। कुछ जब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो हम 150 पे फॉलो करवाएंगे, उसके बाद आपको हम टीचर वाली फीलिंग दिला देंगे कि इस कथन से कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए, आपको अगर कहा जाए कि हमने आपको मान लीजिए 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया आप, हमने आपको अगर 100 रुपया दिया तो आप हमको या तो 100 रुपया दे सकते हैं या तो 50 रुपया दे सकते हैं, या तो आप हमें 100 रुपया दे सकते हैं या फिर आप 50 रुपया रिटर्न में दे सकते हैं। अगर हमने आपको 100 रुपया उधार दिया और आपसे कहें कि हमें 100 रुपया हमें चाहिए भी, तो आप खुशी खुशी दे देंगे। और अगर हम आपको 100 रुपया दिए और 50 भी अगर आपसे मांगे तो आप 50 भी खुशी खुशी दे दोगे, क्योंकि आपको 50 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन यहीं पे देखना है, अगर हमने 50 रुपये आपको उधार दिया है और हम आपसे 100 रुपया वही मांगे तो आप कभी नहीं दोगे, ठीक ना, आप कभी नहीं दोगे। इतना बातें हमें ध्यान देना है, ठीक ना। और एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे, हमेशा हमेशा क्या है, इसको मिटा देते हैं, हमेशा सभी सभी से कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, सभी से कुछ बनाया जा सकता है। जैसे सभी सभी बच्चे तेज हैं, जैसे कहा जाए कि सभी बच्चे क्लास में तेज हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे भी तेज होंगे, ठीक ना। इसका मतलब है कि सभी अगर हैं तो कुछ को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ की बात हो कि कुछ बच्चे तेज हैं तो कुछ के साथ सभी को नहीं कह सकते हैं। अगर किसी क्लास में कुछ बच्चे कहा जाए कुछ बच्चे तेज हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी बच्चे तेज हैं, नहीं। तो यही आपको ध्यान देना है, दो तीन बातें, कि हमेशा 100 से 100 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते हैं। सभी का कुछ बना सकते हैं, क्योंकि अगर सभी सभी शेर पागल हैं तो कुछ शेर पागल हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ शेर पागल हैं तो जंगल के सभी शेर को पागल हम नहीं कह सकते हैं। सीधी सीधी बात जानी है आपको कि सभी के साथ कुछ बोल सकते हैं, अगर सभी है तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ है तो सभी इसमें नहीं बोल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न करवाते हैं। अभी आपको इजी वे में समझ में आएगा हम एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं, तब आप धड़ल्ले से करना प्रश्न चालू कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ दोस्तों, तो आइए हम प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका प्रश्न सॉल्व किया जाएंगे। तो पहला कथन हम लिखते हैं, कथन पहला है कि कथन कह रहा है सभी सभी ए बी हैं। अभी कथन एक एक से सीखते हैं, फिर कथन दो दो पे सीखते हैं, फिर कथन तीन तीन चार चार पे सीखते हैं। सबसे पहले हम बेस सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो कथन एक है, एक एक से सॉल्व करेंगे हम, इसका निष्कर्ष लिख रहे हैं हम, निष्कर्ष, ठीक ना। इसमें दे रहा है कि कुछ कुछ ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष निकल रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ बी ए हैं, ठीक है ना। तीसरा लिख रहे हैं सभी बी ए हैं। चौथा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। हमने एक कथन लिखा कि सभी ए बी हैं, इसका चार स्टेटमेंट, चार कंक्लूजन लिखा है, एक स्टेटमेंट का चार कंक्लूजन लिखे हम। यहां से सबसे पहला नियम सीखते हैं कि हमने कहा था कि कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट के नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट के नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकते हैं। तो ये कथन क्या है, पॉजिटिव का ना, पॉजिटिव का। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू रख लीजिए 150 की। हमने क्या बताया था, सभी के साथ, सभी अगर आपको कथन में दिखे तो सब्जेक्ट क्या होता है 100, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 50। फिर वैसे ही नियम है, फॉलो करवा दीजिए, कुछ के साथ हमेशा सब्जेक्ट 50 और ऑब्जेक्ट भी 50, कुछ के साथ हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 50-50 होता है। यहां भी वही है, कुछ के साथ सब्जेक्ट 50
ऑब्जेक्ट भी 50, सभी ए, सभी के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट 100 होता है, सभी के साथ 100 होता है और इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ 50 होता है। यहां पे दिया है कुछ, कुछ के साथ सब्जेक्ट 50 होता है, लेकिन यहां बी के साथ नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमने एक बात आपको बताया था कि 100 से आप 100 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से आप 100 नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, सभी जहां जहां ए है, जहां जहां ए है उसको, इसकी वैल्यू 100 है, 100 को हम 100 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं। अब देखो, ए यहां है 100, यहां है 50, तो 100 को 50 तो इजी वे में बना ही सकते हैं ना, तो इसका मतलब, और बी 50 है, बी 50, 50 का 50 ही बना सकते हैं, ठीक ना, लेकिन 100 का 50 का 100 नहीं बना सकते हैं। तो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 100 है, यहां पे ए 50 है, तो ए 100 का तो 50 बना ही सकते हैं ना, तो पहला क्या है, सही, और ये पॉजिटिव है, ठीक ना, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, यहां पे नियम फॉलो कर रहे हैं हमारे। कुछ बी ए है, देखिए बी की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, 50 का तो 50 बन ही सकता है इजी वे में, और ए यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है, अब 100 का 50 तो बना ही सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। अब कह रहा है सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे 100, यहाँ पे है 50, बी यहाँ पे देखिए आपके कथन में 50 इसकी वैल्यू है, 50 से कभी 100 नहीं बना सकते हैं, 50 का 50 हो सकता है लेकिन 100 नहीं बना सकते हैं, क्या बी को हम 100 बना सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि यहाँ बी वैल्यू इसकी 50 है और यहाँ पे 100, तो 100 50 का 100 नहीं बना सकते हैं, इस नियम से दूसरा वाला, तीसरा वाला गलत, ठीक है ना। चौथा क्या है, कुछ बी ए नहीं है, अब नहीं तो क्या नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, अब पॉजिटिव सेंटेंस के स्टेटमेंट के साथ, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता है, देखते ही आप गलत काटिए, ठीक ना, इतनी बात समझ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए।